वृंदावन की एक सच्ची घटना। एक बहुत बड़े विद्वान थे, भागवत जीवन भर उन्होंने भागवत कथाएं की, और भागवत कथा में जो धन मिलता इकट्ठा रखते गए, ना कहीं दान में लगाया, ना गौ सेवा में, ना संत सेवा में, और जोड़ते ही गए, ना परिवार में किसी को नहीं दिया। इतने आसक्त हो गए, मरने के बाद वो ब्रह्म पिशाच बन गए। क्या बन गए? ब्रह्म पिशाच। ये सच्ची घटना है, श्रीमद् भागवत की टीका की हुई है श्री राममूर्ति जी शास्त्री जी, पौराणिक आचार्य, बहुत बड़े विद्वान हुए काशी के, उन्होंने अपनी टीका में लिखा है। तो काशी में थे, तो बोले वो ब्रह्म पिशाच बन गया, तो वो बड़ा दुखी हुए। तो एक जो है संत परिक्रमा कर रहे थे, तो संत को मिल गया वो ब्रह्म पिशाच, जो बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे कथा के, कथावाचक, उसी भेष में आ गए। तो संत जी ने कहा, रे व्यास जी, आप तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, आप तो फिर भी उसी रूप में हमको देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। बोले महाराज, मैं तो मर गया मेरा शरीर, लेकिन मैं ब्रह्म पिशाच बन गया। इतना सुन के संत जी, वो जानते थे उनको, बहुत विद्वान थे, उन्होंने संत को भी पढ़ाया था, लेकिन संत भी उच्च कोटि के हो गए, सिद्ध कोटि के थे। अरे बोले, तुम कैसे ब्रह्म पिशाच बने? बोले, हमने जीवन भर धन कमाया, उसका सदुपयोग नहीं किया, वो वहीं रखा रहा, और हमने उसका दान नहीं किया, ना किसी को परोपकार में दिया, तो उसके कारण वो मैं ब्रह्म पिशाच बन गया। ब्राह्मण के छह कर्म हैं, दान देना, दान लेना, दान यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या देना, विद्या पढ़ना। तो बोले, मेरा उद्धार हो जाएगा इस ब्रह्म पिशाची होनी से, उस धन में से आप श्रीमद् भागवत का मूल पाठ 108 कराओ, और भागवत कथा कराओ, और सभी को भोजन प्रसाद कराओ, तो मेरे उद्धार हो जाएगा। उच्च कोटि के विद्वान थे, साधक थे, संत जी आए और आकर के वो मिले, सबको बात बताई, उनका धन देखा गया, तो सोने चांदी के मोहरे रखे हुए थे, उस समय बहुत धन होता था। तो संत जी ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, वृंदावन के विशिष्ट संतों को बुलाया, श्रीमद् भागवत का 108 मूल पाठ कराया, अष्टोत्तर शत, और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा कराई उनके निमित्त, नाम गोत्र लेकर के, और 7 दिन कथा पूर्ण हुई, यज्ञ पूर्णाहुति हुई, और पूर्णाहुति होने के बाद संतों का सबका भंडारा हुआ, खूब कराया, और जब पूर्णाहुति हो गई तब वो प्रकट हुए, और प्रकट होके कहा कि अब मेरा मोक्ष हो गया, अब मैं प्रभु के धाम को जा रहा हूं, क्योंकि वो भी सिद्ध थे। तो भगवान की कथा का ये प्रभाव है, भगवान के मंत्रों का। यद्यपि वो बहुत बड़े विद्वान थे, तपस्वी भी थे, लेकिन कर्म के कारण वो ब्रह्म पिशाच बन गए, तो ब्रह्म पिशाच योनि में भी वो अपना पुण्य कर्म नहीं कर पाए, अपना उद्धार नहीं कर सके। क्यों? प्रेत योनि में जो चला जाए वो दान पुण्य नहीं उसका द्वारा किया हुआ लगता, उसके कुल का या उसके निमित्त कोई भी कर दे तो उसका उद्धार हो जाता है।